माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती। यही वो ट्वीट है जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज हम किसी टेक के बारे में बात नहीं करेंगे जो कि हम जनरली इस चैनल पे करते हैं। आज हम एक आम नागरिक की तरह देश में घटित हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। देखो दोस्तों, मेरे पास यही एक साधन है मेरी फीलिंग्स को आप तक शेयर करने का, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। विनेश फोगाट, एक ऐसा नाम जिसकी अचीवमेंट शायद इस वीडियो पे जाने वाले व्यूज से कई ज्यादा है, बट देन फिर भी विनेश फोगाट कुश्ती को अलविदा कह चुकी है, और वो भी कोई बहुत ही हैप्पी नोट में नहीं, एक बहुत बड़ा सेटबैक आया है। दोस्तों, मैच जीतने के बावजूद, गोल्ड मेडल के लिए मैच में क्वालिफाई करने के बावजूद, इनको सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से पेरिस में चल रहे ओलंपिक से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। दोस्तों, कुश्ती में इनके अचीवमेंट लाजवाब हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ 2014 का गोल्ड मेडल हो या एशियन गेम्स 2018 का गोल्ड मेडल हो, दो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों, इनके अचीवमेंट लाजवाब हैं, और इसलिए भी मैं आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, विनेश हमारी शेरनी है, जिसने, मैं नहीं चाहता हूँ उन चीज़ों के ऊपर बात करने पे, बट उसके बारे में बिना बात किए हुए शायद आप समझ ना पाओ कि इनकी अचीवमेंट कितनी बड़ी है। 6 महीने पहले ये सड़कों पे थी, किसी के सपोर्ट में, रेसलिंग फेडरेशन में हुए जो प्रॉब्लम्स थे उसमें एक महिला के सपोर्ट में ये रोड पे थी बकायदा, और इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ था, और उसके बावजूद पिछले 6 महीने से इन्होंने सब कुछ, मतलब यार हम क्या ही करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब इनको देख के लगता है कि यार इंसान जब किसी लक्ष्य को साधता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। 6 महीने से इन्होंने सब कुछ दिया इस रेसलिंग को, और अब जब एकदम लास्ट पॉइंट पे एकदम टच करते करते, देखो अगर हम लड़ के हार भी जाए ना तो बुरा नहीं लगता है यार, लेकिन बिना लड़े डिस्क्वालिफाई हो जाना वे सिर्फ 100 ग्राम वजन के लिए। देखो, मेडल तो हमेशा देश के लिए होता है, नो डाउट, लेकिन यार ये हमारी हीरोइन है यार, इनके जो अचीवमेंट्स देखता हूं ना, जो इन्होंने किया है, जितनी सैक्रिफाइसेस इन्होंने किए हैं, लाजवाब है। मैं विनेश से कहना चाहता हूं, यू आर द रियल हीरो। आप इस देश के इतने सारे महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हो, हमेशा हमारे दिलों में आपकी टॉप नॉच जगह रहेगी, प्रॉमिस। जब भी आप आओगे पेरिस से, वहां हम मिलेंगे, और आप लोगों से भी दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली हो तो जाओ यार इनसे, इनको वो सारे सम्मान दो जो एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट को मिलता है, प्लीज रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के। यार सही में, टू गुड विनेश, थैंक यू सो मच, हमारे देश को, हमारे देश की महिलाओं को इस तरीके से जागरूक करने के लिए, हमारे देश के इतने सारे जो लोग हैं उनके लिए मिसाल बनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।